अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान। तुसा देखते पे हो मेरा यूट्यूब चैनल टांग व्लॉग। ते आज दा व्लॉग शुरू करे ने भाई, आज सारे सामने पड़ोसी हैं जमींदार, उन्होंने गन्ना लगदा वदे आते वैने दिखे ने, तो कु किस तरीके ना लोग गन्ना लेने नवा गन्ना लेने वे देन, ते वन के तो दिखे ने देखा केरे तरीके ना लोग गन्ना लेने। ये भाई गन्ना चाह जिन्हें न भाई जा तो तकरीबन तो कोई 1 किलोमीटर पर ते इन्हें दी जी जमीन है, उतो इन गन्ना कप है, गन्ना कप के आने ने ते ये जमीन दे विच इन खेला बनिया कल खेला बनिया ने ते ये हुन गन्ने वदन सुटे दे इत्थों जमीन दे। पहले सारे गन्ने को जमीन छिंडारे से उस तो बाद बात एक एक करे से ना छोटे छोटे टुकड़े करके ना ये जरिया खेला बनिया पैन इन्हों के सटे से नए तो वह तो मैं लिखे ना कि वह किस तरीके नल सटे दें, तो उस बाद उनके वाला मिट्टी वाले दिन जरा निज़ाम है उतो सारा दिसना। ये भाई ट्राली तू गन्ना लहेंदे खड़े ना ट्राली तो लहा के बाद जमीन ले सटे से कुछ मजदूर लगे हुए दिन लेबर आए रल मिल के काम कर रहे हैं, दिन कोई उत्ते ट्राली के चढ़े खड़े तले गन्ना बुकने वाले कोई दूजा आके दे जमीन ले सटे ने दिन ये हम ट्राली तो बुकने दे खड़े दूच हो चेक कराना है वध्या है गन्ने जाओ नचाओ गन्ने एडे लिवन्ने और नचाओ नचा ना और या हाँ अच्छा सबर करो मैं तो बांध देना ले हाँ क्या कराना बता है गन्ना चावना है गन्ना वाला मामा मरेसी आ रहा मत है नहीं मरेंदा हाँ। बात मारे जो चाह बात हाँ अच्छा अच्छा भाई आ गया हमें बेबे पढ़ गया हमें गया हमें कैसे थी वह है टटा गया नहीं यार हाँ ते तो तेरे वाल कितना गहन वे है ना माँ वाल कितना नहीं ना माँ गंजा सिया हो जाए है वे तेरे वाल कितना है नकरो लड़ो नहीं वे वरना ये भाई ना खेला नहीं बीच गन्ने सटेन चा सटेन वाले दिन पहले गन्ने सट के बाद उन्हें बाद इना के भाई सब मिट्टी वाले समझे होते अते इना भैया का मैं पूछा मैं कह तो अरे गन्ने दे जो लेबर बनाई मत आओ इन भाई तू सा कितनी मजदूरी है केरा हिसाब किताब होना है इना आखे भाई आप तो मोबाइल के सामने आना ना चाहते लेकिन उन्होंने मेरे को आखे कैमरे दे बगैर अस ते कुछ सहने कि भाई अस कितने पैसे गिनने या केरा निज़ाम है साडा, तो मैं कह देखा दसो केरा निज़ाम है तुहाडा, तो उन्होंने भैया ने आख्या कि भाई असं भी गिने हैं इंदे उते एक कुमां ते मतलब 8 कनालां ते अगर डबल गन्ना सटना हो जिमें मतलब ये तुसा देखते पे हो जरा सट्टा पे इस तरीके तो सटना हो तो असं भी गिने हैं 14,000 रुपया 14,000 रुपये लेबर तो चलता होते लेकिन असं भी 13,000 गिने जो अगर हो गए सिंगल गन्ना ये हूँ ना डबल डबल सटी पैन ये इवें होंगे कि हमें सिंगल सटें ना ये डबल इवें दू तो त्रै तो मतलब घाटा घाटा सटें ना कि अगर एक नहीं निकलता तो दूजा मतलब इवें होंगे जो गल वह जमीन दे कोई कोई गन्ना इवें होंगे जरा नहीं निकलता तो इस वजह को लोग डबल सट पे तो भाई जरा है सिंगल गन्ना वो असा उनका गिनने भाई 8,000 रुपया जरा है डबल उनका असा भी गिनने हैं 13,000 रुपया उवें भाई चलता 14 रुपये तो इन्हें इन्हों का कम कहना होंगे कम यह होंगे कि ये गन्ना कपेंदे भी हैं ठीक है उतू जरा बीजा होंगे जब बीजा आखते हैं
गन्ना उत्पादन के कपे ने कप के उ वाला ट्राली दे उते लोड करे ने लोड करके ते वाला उस जमीन नी चढ़े ने जेरी जमीन दे विच लावना होंदा है उत्था के बाद ए गन्ना ट्राली तू लहा के लहावा दे बाद वाला गन्ने की जमीन दे सट के अति वे टुकड़े करके जे हमें लाला करे ने ते बाद इना ए जेरे यो बणिया पया नालिया नमूना पर मैं जो चाहे ना बहुला आगे स्टेशन एक बंदा थोड़ी जी मिट्टी वाला सट के इधर बाद बाद एक इस टाइम स्टेशन जा बाती है मिट्टी वाले ने जो ये लाला मिट्टी वाले ना बताए बहुत से बाद बाद इन्हें ना काम खत्म तो जमींदार का काम आप रह शुरू करने वाले तो इन्हें पानी शान दिखा दो वगैरह बतो आप लेने इंशाल्लाह तो वीडियो मजा आई तो सी अगर मजीद वीडियो देखनी है तो इंशाल्लाह चैनल को लाजम सब्सक्राइब करो ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा बीच मुकम्मलपुर रहने हो जाओ मुकम्मलपुर ना पौधे सही है।